जन विश्वास यात्रा के तहत पूर्व उप मुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के जहानाबाद आगमन को लेकर पूर्व डीजीपी व राष्ट्रीय जनता दल के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता द्वारा जहानाबाद में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर अशोक गुप्ता ने कहा कि देश को एक शानदार होनहार और वीर नेता तेजस्वी यादव के रूप में मिला है, जिन्होंने मात्र अपने 17 महीने के कार्यकाल में ये दिखा दिया कि अगर हमें थोड़ा सा और मौका मिला तो बिहार में विकास, उन्नति, तरक्की की आंधी ला सकता हूं। अशोक कुमार गुप्ता ने तमाम लोगों को 24 फरवरी को जहानाबाद के गांधी मैदान में आने की अपील की और कहा कि आइए और तेजस्वी यादव के कदम से कदम मिलाइए, बिहार को प्रगति के पथ पर ले जाइए। और भी बहुत कुछ कहा डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता ने। इस मौके पर डॉक्टर अजय कुमार, राजद के जिला प्रवक्ता डॉक्टर शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव सहित अन्य नेता मौजूद थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज। वार्ता का उद्देश्य है कि हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने 17 साल बनाम 17 महीने, 17 महीने की महागठबंधन सरकार में जो काम किया, जो जातीय जनगणना कराई, आरक्षण का लाभ बढ़ा के 50% से 75% किया, जो वादा किया था बिहार की जनता से कि 20 लाख नौकरियां हम पहली कैबिनेट में देंगे अगर सरकार में आए, तो सरकार में आते ही उन्होंने थके हुए, जैसा उन्होंने हाउस में कहा, थके हुए मुख्यमंत्री पर दबाव डाल के, जो कह लीजिए, एक उन्होंने 5 लाख नौकरियां दिलवा दी, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे पैसा नहीं, पैसा कहां से आएगा। तो इच्छा शक्ति थी और वादा था जिसको उन्होंने पूरा करके दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है। 94 लाख गरीब परिवार का पहचान किया गया जातीय जनगणना के बाद, और प्रत्येक परिवार को जिनका 6000 से कम इनकम था, 2 लाख रुपए दिया गया ग्रांट और 1 लाख घर बनाने के लिए सरकार ने लोन दिया। तो ये काम जातीय जनगणना जो बिहार राज्य में, पूरे देश में पहली बार हुआ, और भाजपा इसके बिल्कुल खिलाफ है, जातीय जनगणना और आरक्षण के भी, क्योंकि 85% लोग पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति के हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है, और 10% सवर्ण जाति के भी लोग हैं जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, विपन्न हैं। तो बड़ा काम उन्होंने करके पूरे देश भर में दिखाया अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर, और वो आ रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं जन विश्वास यात्रा के माध्यम से। तो उन्होंने 17 महीने में जो काम करके दिखाया उसको और आगे बढ़ाएंगे, जनता का और विश्वास मिलेगा। ये जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है 2024 में, 1-2 महीने में लगभग होगा, तो उसमें जनता उनको अधिक से अधिक। मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हम कर रहे हैं सब, ये सब वो नहीं कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? उप मुख्यमंत्री इसलिए कि जैसा हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो 17 साल से सरकार में रहे हैं, मुखिया रहे हैं, क्यों नहीं इतना दिन में उन्होंने इतनी भारी संख्या में नौकरियां दी, आखिर क्या वजह थी? और उन्होंने स्वयं कहा कि पैसा नहीं है, कहां से इतनी नौकरी देंगे। तो स्पष्ट है कि इन्होंने 17 महीने में उन पर जो भी है अपने इच्छा शक्ति को मजबूती से दिखलाया। रुपया पैसा सरकार की इच्छा शक्ति हो तो पैसा तो सरकार के पास रहता ही, ऐसी बात आखिर कहां से आया? तो इतनी भारी संख्या में शिक्षकों की बहाली कर की गई, हर पंचायत गांव में 2-4 लोग जो ये यात्रा है इन्हीं सब बातों को बताने के लिए जनता को, और जनता अधिक से अधिक संख्या में आए। आज के हमारी इस आपसे बैठक का, और जो हम अपने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अशोक कुमार गुप्ता पहले DGP भी रह चुका हूँ, तो यही कहने आए हैं तमाम जहानाबाद की जनता से, अपील करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं। पार्टी की ओर से हमारे आदरणीय अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने हम लोग को भेजा है, तो अधिक से अधिक संख्या में लोग आए, सुने हमारे माननीय नेता की बातों को, संवाद को, समझें।